पर मेरी मदद करो। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी इजाजत के बगैर बाहर गए, लौंडिया का पीछा किया। अरे क्या यार, बात तो करने दे। जब तुमने गुड़ खाया है जी भर के, तो बेटे जरा अचार का मजा भी सॉरी ले लो। लेकिन लेकिन अरे लेकिन क्या गई, बोले दे यार। भाई साहब, मदद करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे ये बोलते हैं बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए, मदद तो किसी शरीफ आदमी करनी चाहिए ना। जी हाँ। ये बोलते हैं किसी शरीफ आदमी क्यों? हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हमें शेरा का पता कैसे चलेगा? वो भागेगा तभी शेरा का पता चलेगा। Thank you.
जिसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है, कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी तीन लोग कहां गायब हो गए? भीमा! जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है, फिर यह खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्म को देखो, जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे चार आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ।